जब जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं तब तब सुशील मोदी काफी आक्रामक हो जाते हैं, और इस वक्त भी सुशील मोदी एक के बाद एक बड़े हमले नीतीश सरकार पर कर रहे हैं, और अब तो आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। बकायदा एक पोस्ट शेयर किया है जहां पर लिखा है अब होगी आर पार की लड़ाई। आखिर सुशील मोदी आर पार की लड़ाई की बात क्यों कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं? बता दें कि इस वक्त शिक्षक जो है उनमें काफी गुस्सा है, क्योंकि जो नीतीश सरकार है उन्होंने बकायदा ये कहा है कि जो भी एक सम्मानित वेतनमान पाना चाहते हैं उनको बीपीएससी की एग्जाम पास करनी होगी, और इसको लगातार जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं वो काफी गुस्से में हैं। 3 तारीख को अलग अलग जिलों में सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन हुआ था, और 5 मई को यानी आने वाले कल को पूरे बिहार में जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे और इस बात का विरोध करेंगे। इसे भी सुशील मोदी ने कह दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, और ये आरोप लगा दिया कि अभी जो शिक्षक हैं उन या राज्य के कर्मचारी उनको पेंशन और जो सैलरी है वो नहीं दे पा रही है, और जो वादा सरकार कर रही है उसके लिए 11,000 करोड़ के फंड की जरूरत होगी अतिरिक्त, तो और इसके लिए बजट का कोई प्रावधान किया ही नहीं गया है, सरकार सिर्फ लोगों को धोखे में रख रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ हजारों नौकरी स्वास्थ्य विभाग में देने की बात की, और ये कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे, अगर पूरा नहीं करेंगे तो आप हमें वोट क्यों देंगे। तो एक तरफ नीतीश सरकार का दावा है, तो दूसरी तरफ सुशील मोदी ने कहा है कि जो भी शिक्षक के सैलरी की बात हो रही है, अच्छी सैलरी की बात, उसमें 11,000 करोड़ का अतिरिक्त जो है वो फंड लगेगा, तो फिर नीतीश सरकार ये कहां से कर पाएगी, और इस वजह से लिखा है कि अब आर पार की लड़ाई होनी तय है। सुशील मोदी ने जो है सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया है। तो कल 5 मई देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिक्षक अभ्यर्थी या जो पहले से शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन पर उतरेंगे, या फिर बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि कल वो 5 तारीख है जब शिक्षक अभ्यर्थी ने पहले से ऐलान कर रखा है कि 5 तारीख वो सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या सुशील मोदी पहले से क्रेडिट लेने के चक्कर में जो बाकायदा पोस्ट शेयर कर दिया कि अब होगी आर पार की लड़ाई? अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या पहले से शिक्षक हैं पद पर, क्या वो सरकार की बात मान लेंगे, या विरोध होगा तो क्या सरकार इस विरोध को दबा पाएगी, क्या कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसे भी सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया और कहा है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, शिक्षक अभ्यर्थी या जो पहले से शिक्षक हैं उनमें काफ़ी निराशा है, और एक तर्क दिया है कि जो भी शिक्षकों के बहाली की बात की गई है उसके लिए 11,000 करोड़ के फंड की जरूरत होगी, आखिर उतना अतिरिक्त पैसा आएगा कहां से, जबकि सरकार इस वक्त ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन देने में और पेंशन देने में उनकी पसीने छूट जाते हैं। ऐसे आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहें भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167000। धन्यवाद।